ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है और उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है और उनकी भक्ति करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। दोस्तों आज इन्हीं विषयों पर हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक वीडियो को। फ्रेंड्स, परमात्मा के बारे में पिछले हजारों सालों से बहुत बताया जा चुका है, बहुत ही गुरुओं ने अनंत लेख लिखे हैं और बहुत ही ग्रंथों में परमात्मा की चर्चा व व्याख्या की गई है, परंतु आज भी यही सवाल मनुष्य के सामने खड़ा होता है कि आखिर परमात्मा है क्या अथवा वह कौन है। तो फ्रेंड्स, पहले तो यह बात समझ आती है कि शब्दों में यह व्यक्त नहीं किया जा सकता कि परमात्मा कौन है, केवल इशारा किया जा सकता है। सत्य में पता लगाने के लिए कि परमात्मा कौन है आपको श्रम करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। जब तक आप साधना नहीं करेंगे तब तक इस सवाल का जवाब आपको नहीं मिल सकता। अगर कोई आपको यह बता भी दे कि परमात्मा कौन है फ्रेंड्स, फिर भी आप तक यह उत्तर पहुंचेगा ही नहीं, आप में इसे ग्रहण करने की योग्यता होनी चाहिए। फिलहाल तो यही बताया जा सकता है कि परमात्मा क्या नहीं है, तो उसके लिए श्री आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित और गुरु माँ आनंद मूर्ति द्वारा गाया गया निर्वाण षटकम सुनना चाहिए। दूसरी बात, यह जानना बेहद जरूरी है फ्रेंड्स कि परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जाता, परमात्मा को उपलब्ध हुआ जाता है। व्यक्ति मात्र परमात्मा को पा नहीं सकता क्योंकि व्यक्ति बहुत छोटा है और परमात्मा बहुत ज्यादा बड़े हैं। परमात्मा ही स्वयं अपना परिचय देते हैं अथवा यह कह लें कि व्यक्ति परमात्मा में लीन हो जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो परमात्मा ही हो जाता है। यह कार्य कारण के सिद्धांत के परे की बात है, यह कृपा की बात है। श्रम तो करना ही पड़ेगा, साधना तो करनी ही पड़ेगी, और फिर भी यह परमात्मा की कृपा पर ही निर्भर है कि वह जीवन में मूल रूप में उतरेंगे या नहीं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि परमात्मा है कौन, इसका उत्तर स्वयं कैसे ढूंढ लिया जाए। उत्तर ढूंढने के लिए आपको अपने भीतर जाना होगा। जैसे ऊर्जा इंद्रियों से बाहर जाती है, उसी ऊर्जा को यू टर्न कर वापस मोड़ना होगा ताकि चेतना स्वयं को ही पहचानना शुरू कर सके। जैसे जैसे और जितने अपने ही भीतर गहरे उतरते जाएंगे आप, वैसे वैसे परमात्मा के करीब आप होते जाएंगे। फिर एक क्षण ऐसा आएगा जब व्यक्ति जिसने अपने भीतर उतरने की यात्रा शुरू की थी फ्रेंड्स, वह परम चैतन्य के रूप में स्वयं को पाएगा, शरीर मन और चित्त से परे। यही परम चैतन्य परमात्मा है, यही पूर्ण है, यही एक है मूल स्वरूप में, यही आप स्वयं हो। इस अवस्था को चैतन्य समाधि भी कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स बात मन से परे की है तो मन को बताने के लिए नेति नेति अर्थात ना यह ना वह का उपयोग होता है। इसलिए परमात्मा को निराकार, निर्गुण, निर्लेप, निर्भय व अन्य नामों से जाना जाता है। भीतर उतरने के तो बहुत उपाय हैं, लेकिन जो भी उपाय कर ले अंत में व्यक्ति समाधि की अवस्था में ही पहुंचता है, जो कि ध्यान का शिखर है। फ्रेंड्स, आपने भक्ति मार्ग के बारे में भी पूछा है, तो अब भक्ति मार्ग की ही बात करेंगे। भक्ति एक बहुत ही सुंदर मार्ग है। नारद मुनि कहते हैं कि भक्ति प्रारंभ में, मध्य में और अंत में हर चरण में मीठी है। कबीर साहब भक्ति के बारे में कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ओसो कहते हैं प्रेम परमात्मा है। जीसस कहते हैं परमात्मा प्रेम है। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। दोस्तों सच्चे अर्थों में प्रेम में, अनन्य भक्ति में परमात्मा की झलक बहुत आसान है, समर्पण स्वतः हो जाता है। भक्ति में भक्त और इष्ट दोनों ही विलीन हो जाते हैं और केवल भक्ति ही बचती है, यह भक्ति परमात्मा ही है। तो ऐसे तो बहुत ही कम या ना के बराबर व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने भक्ति ही निराकार की, ब्रह्मा की ही कर ली, परम चैतन्य की ही कर ली। गुरु नानक का नाम मन में आता है, किसी माध्यम की जरूरत ही नहीं पड़ी। दोस्तों हम मनुष्यों को अक्सर भक्ति पहले साकार रूप से शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि जो है ही निराकार, जो है ही निर्गुण, जिसे छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, उससे प्रेम कैसे कर लें। इसलिए भक्ति के माध्यम ढूंढने पड़ते हैं। तो भारत की संस्कृति में तो बहुत ही माध्यम इसके लिए बनाए गए हैं। दोस्तों भक्ति में कोई किसी मूर्ति को माध्यम बनाता है, कोई किसी
चित्र को, कोई प्राकृतिक को, कोई किसी पत्थर को ही माध्यम बना देता है और कोई किसी गुरु को माध्यम बना लेता है। दोस्तों, अगर किसी का प्रेम अपने प्रेमी के लिए बहुत ही उच्च कोटि का है तो वह प्रेमी को ही इष्ट बना लेता है या लेती है, जैसे स्वयं पार्वती जी ने भगवान शिव को ही अपना इष्ट बना लिया। यह चुनाव अब आपको करना है कि आपका समर्पण किसके प्रति सहज है। जिसके प्रति समर्पण सहज है उसे इष्ट रूप में देखना काफी सरल हो जाता है। इसमें मनुष्य के लिए सबसे उच्च माध्यम गुरु ही है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इसलिए भारतीय संस्कृति सिखाती है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मे श्री गुरुवे नमः। अगर गुरु ब्रह्म ज्ञानी है तो परमात्मा में ही लीन है, और जो परमात्मा में लीन है वह परमात्मा का ही प्रत्यक्ष रूप है। मैं आपसे कहूँगा कि एक गुरु आप भी खोज लीजिए, उससे भी ज्यादा स्वयं को एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु के शिष्य होने के लिए योग्यता पर काम कीजिए। पात्रता बहुत ही कम लोगों में होती है, और पात्रता का एक ही मूल है, कितनी प्यास है, कितनी तड़प है। क्या आप सत्य में परमात्मा को पूरे दिल से पाना चाहते हैं? प्यास ही एक सतगुरु से मिलवाती है। दोस्तों, जो मिटने के लिए तैयार हैं वही अनन्य भक्ति के लिए भी तैयार हैं। यहाँ तक कि अनन्य भक्ति स्वयं उसके जीवन में उतरती है, किसी न किसी रूप में गुरु उसे प्राप्त हो ही जाएंगे। अगर गुरु हैं और भक्ति है तो फिर परमात्मा से दूरी कैसी। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कि पूर्ण परमात्मा कौन है और उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।